दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका की धरती पर पहला टेस्ट मैच गंवाने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में रोहित केएल राहुल के साथ साथ रविंद्र जडेजा का गर्जा बल्ला। उन्हीं की धरती पर अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास। तो आखिरकार कैसे केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले से T20 के अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों को दिखाए दिन में तारे। भारतीय बल्लेबाजों के सामने नतमस्तक हुए अफ्रीकी गेंदबाज नांद्री बर्गर से लेकर केशव महाराज, यहां तक कि कगिसो रबाड़ा को जमकर धोया और खड़ा किया पहाड़ जैसा विशाल स्कोर। इन तीनों बल्लेबाजों की बैटिंग की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है सबसे खतरनाक टेस्ट खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला केप टाउन के न्यूजीलैंड में खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने खुद कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जायसवाल तो टेस्ट मैच को T20 की तरह खेल रहे थे। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए कगिसो रबाड़ा को जायसवाल ने 12 रन ठोक दिए। इस ओवर में जायसवाल ने लगातार 3 चौके झड़े और अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी का लुत्फ स्टेडियम में बैठे दर्शक भी भरपूर उठा रहे थे। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी बल्लेबाजी देखकर रोहित शर्मा कहां पीछे हटने वाले थे, वो भी अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुल गए। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल अपने बल्ले से तांडव मचाना शुरू कर दिया। दोनों खिलाड़ी अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, जिसे देखकर अफ्रीकी कप्तान तेंबा बवुमा पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए। लेकिन भारतीय ओपनरों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम के स्कोर को जायसवाल अपने अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे। देखते देखते टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर में ही 75 रनों तक पहुंच गया और दोनों बल्लेबाज 50 रनों से अधिक की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली, मगर दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जायसवाल अपने बल्ले से तांडव मचाए जा रहे थे। जायसवाल ने नांद्री बर्गर के ओवर में एक ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर गेंदबाज को हैरान रह गया। गेंद सीधा स्टेडियम के पार जाकर गिरी और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक के एकदम करीब आ गए। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा था, लेकिन जायसवाल ने अपना विकेट भी अंतिम गेंद पर रबाड़ा को दे बैठे और टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया। जायसवाल केवल 55 गेंद में 60 रन बनाकर टीम इंडिया के लिए पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने और रोहित शर्मा का साथ देने इस मैच में केएल राहुल आ गए। राहुल के मैदान पर आते ही रोहित शर्मा का भी बल्ला जमकर बोलने लगा, फिर क्या। उनकी बल्लेबाजी देखकर राहुल भी रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। राहुल भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उनके भी बल्ले से खूब रन निकल रहे थे। राहुल अफ्रीका के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। वहीं रोहित शर्मा तो बौखलाए हुए थे, क्योंकि हर ओवर में रोहित शर्मा गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर अफ्रीका के दर्शक भी हैरान रह गए। देखते देखते दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली और फिर तो दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त तांडव मचा दिया। देखते देखते रोहित शर्मा ने तो अपना तूफानी शतक भी ठोक दिया। रोहित शर्मा के शतक पर टीम इंडिया में बैठे दर्शक और भारतीय खेमा खड़ा होकर तालियां बजाकर स्वागत करने लगा, जिसे देखकर अफ्रीकी खिलाड़ियों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं उनका साथ दे रहे केएल राहुल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे। दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग देखकर अफ्रीका की पूरी टीम हैरान थी। ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर जबरदस्त तांडव मचा रहे थे। देखते ही देखते दोनों ने 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप पूरी कर ली, मगर ये दोनों बल्लेबाज कोई गलती नहीं कर रहे थे, अपना विकेट नहीं गंवा रहे थे, संभल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा ने केशव महाराज के ओवर में ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर गेंदबाज पूरी तरह से हैरान रह गया। टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने लगातार 4 छक्के जड़ दिए, जिसे देखकर केएल राहुल नॉन स्ट्राइक पर खड़े वो भी हैरान थे। और इसी के साथ रोहित शर्मा ने अपना 150 रन पूरा कर लिया। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर राहुल कहां पीछे हटने वाले थे, वो भी अपने प्रचंड रूप अपना लिए। शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई कवर ड्राइव लगाए और चौके बटोरे, लेकिन केएल राहुल अपना तूफानी अंदाज में शतक ठोककर केवल केशव महाराज की गेंद पर पवेलियन लौट के भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका 300 रन पर लग गया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा आ गए। फिर रविंद्र जडेजा ने अपना शो अफ्रीकी गेंदबाजों को दिखाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक रविंद्र जडेजा खतरनाक अंदाज में शॉट लगाने लगे। अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, वो T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। केशव महाराज के ओवर में जडेजा ने तो एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जरूर जड़े, जिसे देखकर गेंदबाज पूरी तरह से हैरान रह गया। रविंद्र जडेजा की घातक अंदाज में बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा भी हैरान था। वो मैच 18 गेंद में तूफानी अर्धशतक जड़कर हर किसी को चौंका दिया। टीम इंडिया के स्कोर को भारतीय रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने 400 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी ने अफ्रीकी गेंदबाजों की कमर तोड़कर रख दी। दोस्तों, संन्यास के बाद डेविड वार्नर ने दिया भारत को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी डेविड वार्नर ने
अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को हैरान कर दिया। इस दौरान उनके संन्यास की खबर को सुनकर हर कोई दंग रह गया। लेकिन इसी बीच डेविड वार्नर ने संन्यास लेने के बाद भारत को लेकर एक ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान जारी कर दिया है जो आपके भी दिल को छूलेगा। तो आखिरकार संन्यास लेने के बाद डेविड वार्नर ने भारत को लेकर कौन सा दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया है ये तो आपको बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और डेविड वार्नर में से कौन है दुनिया का सबसे बेहतरीन सलामी बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। इस दौरान T20 वर्ल्ड कप के बाद कई बड़े खिलाड़ी संन्यास लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट जगत का सबसे खतरनाक खिलाड़ी संन्यास ले चुका है। आपको बता दें खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि इस दशक का ऑस्ट्रेलिया का सबसे महान सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर है। दरअसल डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया को दो बार वनडे वर्ल्ड कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में अब उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दरअसल उन्होंने नए साल में ऐलान करते हुए इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वो टेस्ट और वनडे से ही संन्यास ले रहे हैं। ये ज्यादातर लीग क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी को आखिर बार अब मैदान पर 3 जनवरी को मेलबर्न के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच की टेस्ट सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में अब संन्यास के तुरंत बाद डेविड वार्नर ने भारत को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया है। दरअसल डेविड वार्नर ने बयान देते हुए कहा है कि भारत की धरती पर वर्ल्ड कप जीतना काफी बड़ा और महत्वपूर्ण पर मेरा जीवन का था क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत की धरती पर भारत को हराना काफी ज्यादा आसान है। हालांकि भारत के खिलाफ फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम का बेहतर प्रदर्शन कर जीत हासिल करना वास्तविकता में काफी बड़ा मूवमेंट था। हालांकि भारत की धरती पर क्रिकेट खेलने मुझे काफी ज्यादा पसंद है और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अलावा किसी देश को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं और किसी और देश में अपने आप को घरेलू क्रिकेटर के रूप में मानता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है क्योंकि भारत के लोगों ने मुझे काफी ज्यादा प्यार दिया है। और जब मैं आईपीएल में भारत की धरती पर खेलता हूं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं अपने घर से बाहर खेल रहा हूं। भारत में मेरे लिए घरेलू मैदान की तरह लगा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मैं वनडे और टेस्ट से संन्यास ले चुका हूं और अब मैं ज्यादातर लीग क्रिकेट खेलता हूं और दिखाने वाला हूं, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ हूं तो उसके पीछे भारत का हाथ है क्योंकि अगर भारत की धरती पर होने वाले आईपीएल में मैं नहीं देता तो शायद मेरी पूरी दुनिया में नाम होना मुश्किल था क्योंकि कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करता है तो इसका मतलब उसे पूरी दुनिया जान जाती है और यही कारण है मैंने आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन किया और मुझे पूरी दुनिया पहचानती है और इसी के चलते मैं कह सकता हूं कि भारत के बिना मेरा दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन पाना काफी मुश्किल था। ऐसे में आज टेस्ट और वनडे से संन्यास लेने के साथ मैं ऑस्ट्रेलिया और भारत की जनता का धन्यवाद करता हूं और साथ में इन दोनों देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी क्रिकेट प्रेमी और मेरे समर्थकों को भरपूर प्यार देने के लिए धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है डेविड वार्नर की जगह पर आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन सा खिलाड़ी खेल सकता है? पहले टेस्ट मैच का बदला बेरहमी से लेते हुए कप्तान रोहित के साथ किंग कोहली ने इतिहास रच दिया तो फिर केएल राहुल ने भी T20 के अंदाज में ऐसा तहलका मचाया कि पहले दिन ही अफ्रीका को ढेर कर दिया। तो आखिर कैसे दूसरे टेस्ट मैच में रोहित कोहली के साथ केएल राहुल ने अफ्रीकी टीम की उड़ाई है धज्जियां? किस खिलाड़ी ने ठोका इतिहास का सबसे तेज शतक? किनके बीच हुई है सबसे बड़ी पार्टनरशिप और आखिर कैसे इन तीनों खिलाड़ियों के आगे अफ्रीका एक भी दिन नहीं टिक पाई? उनके विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित कोहली और राहुल में कौन है सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों पहला टेस्ट मैच बुरी तरीके से हारने के बाद टीम इंडिया बहुत अधिक दबाव में थी। दूसरा टेस्ट मैच जीतना हमारे लिए किसी भी कीमत पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि केप टाउन के मैदान पर कुछ ऐसा हो जाएगा जहां टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी चुनी। लेकिन मैदान में उतरते ही पहले ही ओवर में शुभमन गिल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मैदान पर कप्तान रोहित के साथ राहुल ने कंधों पर टीम को इस मुश्किल हालात में संभालने और जीत दिलाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। पिछले मैच के शतकवीर राहुल ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। मैदान में आते ही कगिसोला बाड़ा को राहुल ने 12 रन ठोक दिए और इस ओवर में राहुल ने लगातार 3 चौके जड़े। उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ स्टेडियम में बैठे दर्शक भी भरपूर उठा रहे थे और राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी बल्लेबाजी देखकर रोहित शर्मा कहां पीछे हटने वाले थे, वह भी अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुल गए। रोहित शर्मा और राहुल ने अपने बल्ले से तांडव अचानक शुरू कर दिया और दोनों खिलाड़ी अफ्रीका गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर में 75 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज 50 रन से अधिक की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। राहुल ने नांदे बर्गर के ओवर में एक ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर गेंदबाज खुद हैरान रह गया। गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर जा गिरी और देखते ही देखते राहुल अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए। अगले ही ओवर में उन्होंने कुएज़े की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया और राहुल बेहद तेज रफ्तार से टीम इंडिया के लिए रन बटोर रहे थे। बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और जब राहुल का सामना एक बार फिर रबाड़ा से हुआ तो राहुल ने इसी अंदाज में इस ओवर को भी खत्म किया और लगातार 3 चौके जड़ दिए। लेकिन राहुल अपना विकेट भी अंतिम गेंद पर रबाड़ा को दे बैठे। टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया। राहुल केवल 105 गेंद पर 90 रन बनाकर टीम इंडिया के लिए पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने रोहित शर्मा का साथ देने किंग कोहली आ गए। विराट के मैदान पर आते ही रोहित शर्मा का भी बल्ला जमकर बोलने लगा। फिर क्या, उनकी बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली भी रुकने का नाम नहीं लिए। एक के बाद एक दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अफ्रीका के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली भी बेहद शानदार अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से खूब रन निकल रहा था और विराट कोहली के हर गेंदबाजों पर टूट कर प्रहार कर रहे थे।
वहीं रोहित शर्मा तो बौखलाए हुए नजर आ रहे थे क्योंकि हर ओवर में रोहित शर्मा गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली और फिर दो बल्लेबाजों ने जबरदस्त तांडव मचाया। अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाकर अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर कप्तान के लिए तालियां बजाई। उसके बाद रुकना क्या होता है ये तो रोहित ने सीखा ही नहीं। दूसरी तरफ विराट कोहली भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और पहले टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर अफ्रीका की पूरी टीम हैरान हुई थी।